हेलो डॉक्टर उदित साइकियाट्रिस्ट स्पीकिंग। मेरे को आपसे बात करनी थी बेटे, बुरा मत मानना, अभी मैं विदाउट अपॉइंटमेंट कैसे कैसे मैंने आपका नंबर लिया है। मेरे दो बच्चे हैं, तो बच्चों की हरकतें अगर आप सुन लेंगे मैं सही बता रहा हूँ, मैं इतना परेशान हूँ, दोनों मेरे को बिल्कुल पागल लगने लगे इनकी हरकतों से। इनका आप कोई दिमाग का इलाज करो। क्या हुआ आपके बेटों? मेरे दो बच्चे हैं, इनकी हरकतें ऐसी हैं कि मेरा दिल घबरा जाता है। मैं इनको मना कर करके थक गया, मैं कहा बच्चे ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, लेकिन मेरी जान निकलती है जब ये ऐसी हरकतें करते हैं। तकलीफ क्या है, क्या कर रहे हैं ये? बड़ा लड़का हरकतें कर रहा है, ये ऊपर छत पे जो पंखा लगा रखा है हमने, वहाँ उल्टा लटक जाता है और कहता है मैं बल्ब हूँ, मैं बल्ब हूँ, मैं रोशनी दे रहा हूँ, मैं रोशनी दे रहा हूँ। छोटा वाला जो बेटा है ये अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेके, पापा मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ, मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ, ऐसे खतरनाक काम इनके दिमाग को पता नहीं क्या हो गया है। कोई फैमिली हिस्ट्री है ऐसी या कोई जेनेटिकली इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं? फैमिली हिस्ट्री दूर दूर तक नहीं है डॉक्टर साहब। अभी देखिए डेढ़ घंटा हो गया, मैं अभी इसको छोड़ के आया हूँ, डेढ़ घंटे से उल्टा लटका हुआ है पापा मैं बल्ब उल्टा उल्टा लटका हुआ है। जो ये उल्टे लटके हुए वो इनके लिए ठीक नहीं है, जो ब्लड प्रेशर है वो सर में बढ़ सकता है जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो बताओ आप उनको नीचे उतारिए। डॉक्टर साहब जी, मेरे को तुम भी पागल लगते हो यार, अगर इसको नीचे उतार लिया तो वो अंधेरे में लकड़ियाँ कैसे काटेगा, उसको ऊपर उतार लूंगा तो ये अंधेरे में लकड़ियाँ कैसे काटेगा, फिर और मुसीबत पड़ जाएगी। क्या मैंने आपसे कहा कि यार मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, आप कैसे डॉक्टर हो यार? अंकल आपके घर में भी और कोई है क्या? घर में सब है, वो दो मेरे बेटे है, उनको छोड़ के और कोई है अभी? मेरी बेटी है, मेरी बेटी है अभी आई है। हाँ बात कराएंगी मेरी उनसे? मैं बात कराता हूँ जी। बेटे बुला रहे हैं। पापा मैंने आपसे आई एम सो सॉरी, पता नहीं किसको कॉल लगा दिया, आई एम सो सॉरी, जो भी कुछ इन्होंने कहा उसका बुरा मत मानिएगा प्लीज। नहीं इनका मेरे को एक्चुअली फोन आया था, आई एम डॉक्टर उदित, पता नहीं इन्होंने क्या क्या अनाप बक दिया होगा। तो आप इनके कौन बोल रहे हैं? मैं इनकी बेटी हूँ बड़ी वाली, मैं पापा का ख्याल रखती हूँ, अब क्या करें, यू नो अब क्या करूँ, इनके दिमाग का मैं, लेकिन क्या बोल रहे थे? ये मेरे को बता रहे थे कि कोई दो बेटे हैं इनके, एक उल्टा पंखे पे लटका है, दूसरा कुछ लकड़ी कह रहा है, काट रहा है कुल्हाड़ी से। वही कहानी हर किसी को सुनानी, आपको यही बोल रहे होंगे ना कि एक बेटा ऊपर बल्ब बन के लटका हुआ है, एक कुल्हाड़ी काट रहा है, दूसरा कुल्हाड़ी से काट रहा है। मैं तो आपने कुछ इनसे बुरा तो नहीं बोल दिया ना प्लीज? बस उनको यही समझा रहा था कि उनको ऐसे ऊपर से उतार दें, वो जो ऊपर लटके हुए बल्ब बन के, उनको अच्छा नहीं रहेगा उनकी हेल्थ के लिए। तो क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला कि वो बल्ब मतलब ऊपर वाले लड़के को उतार देंगे तो नीचे कुल्हाड़ी कैसे चलाएगा, अंधेरे में लकड़ी कैसे काटेगा। इनका क्या करूं डॉक्टर, कल सारी लकड़ियां कट गई हैं, वो खामखा परेशान हो रहे हैं, सारी लकड़ियां उसने रात में काट दी, आज तो कटनी नहीं है। इनका भी ना दिमाग खराब हो गया, मैंने पापा से कितनी बार कहा है लकड़ियां सारी कल ही रात कट गई, आज कटनी नहीं है, अंधेरा होने दो ना, पापा आपसे कितनी बार बोला अंधेरा होने दो, आज लकड़ियां नहीं कटनी है।